सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। गाइज, आपका भाई रेडी हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं ऊटी के लिए। सो गाइज, अभी आपको मैं यहाँ का रूम का एक बार थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, यहाँ से व्यू कैसा है, और फिर फटाफट निकलते हैं ऊटी के लिए। ये देखो गाइज, यहाँ से कुछ ऐसा व्यू आता है। ये भाई थोड़ा सा ना बैक साइड पड़ जाता है, बट एनीवेज गाइज, और ये आपका भाई है, अभी रेडी हो चुका है, फटाफट चलते हैं गाइज। सो गाइज, नीचे आ चुके हैं, पार्किंग में, और अब वी आर ऑल सेट टू गो। यहाँ का एक बार थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं गाइज। देखो इस तरीके से यहाँ पर सारे ये अपार्टमेंट्स वगैरह और सारा एरिया है। ये देख रहे हो गाइज, ये क्या लगे हुए, पता नहीं क्या चीज़ है यार, बट अच्छे लग रहे हैं जो भी है। तो चलो गाइज चलते हैं। सो गाइज, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स ऊटी ऑन आर रोड ट्रिप, और यहाँ से ना जो GPS दिखा रहा है गाइज, वो है 3 घंटे 14 मिनट, और किलोमीटर्स यहाँ से दिखा रहा है 128। तो गाइज, 10 AM का अपना अराइवल है, और अभी एट प्रेजेंट जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है गाइज, ये देखो भाई, 7:10 में। सो गाइज, अभी बात करते हैं, जो कल मैं बता रहा था यार स्टे ना इतना सही नहीं था यार, वो इसलिए नहीं था गाइज, हर किसी की एक एक्सपेक्टेशन होती है अपने स्टे से ना, तो अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो होती है कंफर्टेबल बेडिंग एंड हॉस्पिटैलिटी। तो भाई हॉस्पिटैलिटी ठीक थी, बट बेडिंग वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल, और उसके अलावा जो मतलब फैन था ना, वो इतनी आवाज़ कर रहा था यार, इतनी आवाज़ कर रहा था, क्या ही बताऊँ। या तो आप उसको फुल पे चलाओ, अगर आप उसको धीरे करोगे ना, तो वो आवाज़ इतनी कर रहा था ना, दैट वाज अ ग्रेट डिस्टरबेंस। और इसीलिए यार कुछ यही 2-4 फैक्टर्स ही होते हैं जो कि आपका थोड़ा सा मतलब मज़ा ख़राब कर देते हैं, और कुछ नहीं है। अदरवाइज एज पर बजट अगर बोलूँ तो काफ़ी ठीक था, काफ़ी बजट में था, आपको पता ही है। और अभी फ़िलहाल अपनी ट्रिप पर फोकस करते हैं और चलते हैं अपने ऊटी की तरफ। ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं गाइज, मैंने एक्चुअल में इसलिए बुक करा था कि मैं ये सब चीज़ें एक्सप्लोर नहीं करूँगा, तो मैं आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूँगा ये सारे ऑप्शंस, और इसीलिए मैंने बुक किया था, आगे भी करेंगे। इट्स नॉट दैट कि कोई हमने ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल बना लिया कि नहीं यार अब ऐसा नहीं करेंगे, नो यार करेंगे, हर चीज़ हर जगह अलग होती है। तो गाइज फ़िलहाल यहाँ तो अपने को मज़ा नहीं आया, बाकी आगे देखते हैं। सो गाइज ये देख रहे हो भाई, मैसूर शहर ना भाई, बहुत अच्छा गाइज यार, बहुत सही है यार, अपने का तो बहुत पसंद आया यार। ऐसे छोटे जो सिटीज़ होते हैं ना, जो ऐसे छोटे शहर होते हैं, यहाँ पर ना रहने का एक अपना ही फ़न होता है, है ना, मतलब यार एक अलग थोड़ी सी, नॉट इवन दैट स्लो, मतलब थोड़ी सी स्लो लाइफ होती है एज़ कम्पेयर टू द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, और बाकी सारी चीज़ें होती हैं यार, यू नो, आप पूरा अपनी लाइफ को ना अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं ऐसी जगह। बट इसी के साथ ना गाइज, एक ये ट्रूथ भी है यार, हम लोग ना दिल्ली NCR वाले हैं, हम लोगों को ना, हम लोग जो वैकेशन पे आते हैं तो हमारे को वो चीज़ अच्छी लगती है, बिकॉज हम वैकेशन पे आए हैं, और आफ्टर कपल ऑफ डेज अपने को लगता है कि नहीं यार अपना ना दिल्ली NCR ही बेस्ट है, तो हम लोग तो आपको बताइए। तो ये अभी एज मतलब वैकेशन की वजह से जो वैकेशनरी मूड हो रहा है ना सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, इसलिए ऐसा थोड़ा सा लग रहा था अपना दिल्ली NCR भी बेस्ट। गाइज एक जो चीज़ इन सब जगहों पे अपने को अच्छी लग रही है ना, वो ये है क्लीनलीनेस यार, देख रहे हो कितना क्लीन है यार एकदम ना सारी चीज़ें, और एकदम वेल मैनेज्ड, पार्किंग भी लगी है तो एकदम प्रॉपर प्लेस पे, कोई इधर उधर नहीं है, और मतलब शॉप्स भी हैं तो विद इन देयर स्पेस, ये नहीं कि वो काफ़ी आगे, मतलब शॉप का एरिया कुछ है और उसने एग्जैगरेट करके थोड़ा सा आगे बढ़ा रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं यार, है ना। तो ये सारी चीज़ें ना यार इन छोटे छोटे शहरों में बहुत अच्छी हैं। सो गाइज फिलहाल आज का फर्स्ट टोल पड़ चुका है, और ये देखो गाइज वी आर एट केरला बॉर्डर। ओके, सो गाइज सुबह सुबह ना अभी आपने देखा यार, बिल्कुल अपने ना सामने, बिल्कुल अपने सामने गाइज अभी ना एक्सीडेंट हुआ है यार, एक ट्रक वाले ने ना पूरा मतलब डिवाइडर क्रॉस करके ही पूरा चढ़ा दिया है ना सुबह सुबह यार। चलिए गाइज एनीवेज अपने ट्रिप पे फोकस करते हैं। सो गाइज अभी ये हाईवे पे चल रहे हैं अपने ऊटी के लिए फ्रॉम मैसूर, और ये देखो गाइज वो देख रहे हो फ्लावर्स जो नज़र आ रहे हैं,
भाई ये पूरे जो यहाँ पर खेत है ना यार, ये फ्लावर्स का काफी यहाँ पर वो हो रहा है कल्टीवेशन यार। सो गाइस देख रहे हो, फिलहाल अभी तक तो नॉर्मल चल रहा था, अभी कुछ व्यूज शुरू हो गए हैं इस हाईवे पे ना, बढ़िया। और ये देखो मेरे राइट हैंड साइड में ना गाइस, ये फ्लावर की फार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है इस साइड ना, मतलब अराउंड 7 से 8 मैं ऐसे खेत देख चुका हूँ। और ये देखो गाइस, ये देखो कितने सुंदर सनफ्लावर के, एक बार मैं आपको ना रुक के दिखाता हूँ। सो गाइस ये देखो यहाँ पर है हम, और ये देखो भाई कितने सही सनफ्लावर है ना, इतने सारे फ्लावर्स हैं भाई, जितने सारे फ्लावर्स हैं ये देखो, देख रहे हो भाई, ये भाई ये देख रहे हो कितना जबरदस्त है ना, ब्यूटीफुल। एक यहाँ पर फोटो क्लिक करा लेते हैं। सो गाइज ये अपनी गाड़ी, और देखो ये इस तरफ भाई, इन्होंने यार यार अपना मुंह ही फेर लिया जैसे ही हम यहाँ पर आए, इन्होंने कहा भाई नहीं हम नहीं देते तुम्हारे को दर्शन, इन्होंने चेंज कर लिया यार अपना मूड ना। कोई बात नहीं गाइज, हमारे पास प्लान बी भी है, ये हमारे पे दूसरा ऑप्शन है, तो फिलहाल देखते हैं जाने का रास्ता क्या है यार, यहाँ पर चलते हैं। देख रहे गाइज भाई कितने अच्छे फ्लावर्स हैं यार, एकदम सुंदर मस्त, मज़ा ही आ गया यार देख के, है ना। ये देखो गाइस पूरा खेत है यार, है ना, फ्लावर का देख रहे हो कितना सुंदर। तो गाइस देख रहे हो भाई क्या जबरदस्त है ना, इतना मस्त लग रहा है यार, इतना मस्त। ये देखो देख रहे हो चारों तरफ ना भाई, फ्लावर्स ही फ्लावर्स है पूरे चारों तरफ, देख रहे हो गाइस, वो हमारे पीछे वो खड़ी है अपनी गाड़ी, और ये देखो गाइस उधर की तरफ, ये देख रहे हो भाई पूरे फ्लावर्स है, तो जबरदस्त यार, है ना भाई। चलते हैं अब यहाँ से और अपनी ना जर्नी कंटिन्यू करते हैं ऊटी वाली, मज़ा आ गया ना। सो गाइज अभी ना मैं दोबारा रुक गया हूँ, और अब मेरे पीछे देखो गाइज यहाँ से क्या मस्त व्यू आ रहा है ना, उस तरफ से इतना सही नहीं था, इधर ज़्यादा बेटर है, तो मैंने कहा एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज फिर चलते हैं यहाँ से, ये देख रहे हो दोनों साइड भाई, रोड के दोनों साइड ना फ्लावर्स की फार्मिंग है यार पूरी। सो गाइज कोयम्बटूर ऊटी हाईवे पे है, और व्यूज देख रहे हो गाइज जबरदस्त ना, एकदम मस्त व्यूज आ रहे हैं यार, एकदम मस्त। और ये सारे व्यूज़ अभी शुरू हुए हैं यार, पहले ना इतना सही मतलब हाईवे था, बट इतने सही व्यूज़ नहीं थे, तो इसलिए मैं कुछ शूट कर नहीं रहा था। देख रहे हो गाइस पीछे माउंटेनियस एक्सपीरियंस, और लेफ्ट और राइट में लैंडस्केप। सो भाई ये एक ना जंगल सफारी के लिए यहाँ से रास्ता जाता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये देखो मेलू कमाना हाली, देख रहे हो ये भाई यहाँ से जाता है इसका रास्ता, यहीं पार्किंग है, यहाँ से आप आ सकते हो इसके अंदर। और ये गाइस आगे का व्यू है जबरदस्त ना, ये रहा बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये भाई एक जीप आती हुई जो नाइट सफारी करके या जंगल सफारी करके लोग आ रहे हैं उनकी, ये अभी ना एक एंट्री फीस अपनी कटी है बंडीपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर एंटर करते ही, वो जो लास्ट मैंने आपको दिखाया था वो वहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हैं, और यहाँ पर ये इसमें एंट्री करने के लिए, बिकॉज आपको अगर स्टे चाहिए तो आपको वहीं पर बाहर ही अपना पार्क करना पड़ेगा, वहीं रुकना पड़ेगा, और अगर अंदर आना है तो भाई ये अपना पार्किंग स्लिप कटती है, वो सॉरी एंट्री फीस कटती है 20 रुपीज़। ये देखो गाइज़
तो भाई यहाँ पर ना लोग सफारी करते हुए आ रहे हैं, देख रहे हो, ये देखो गाइस। और आपको भी हम लोग अपने साथ सफारी करवाते हैं यहाँ पे। भाई साउथ की साइड आए हैं और किसी भी ट्रांजिट में अगर जंगल ना मिले ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई ये लो फुल ऑन सफारी की एंजॉयमेंट है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, देख रहे हो काफ़ी डेंस है यार, है ना, काफ़ी डेंस है। और गाइस देखो अभी मैंने देखा, ये देखो आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो गाइस, भाई देख रहे हो ये अपना वार्निंग आई है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई एलिफेंट एरिया है, यहाँ पर एलिफेंट वगैरह आपको मिल सकते हैं और यहाँ पर भाई रास्ते में रुकना ना अलाउड नहीं है। सो गाइस इसीलिए शूट करना यार काफ़ी मुश्किल हो रहा है ना ड्राइव के साथ, देखते हैं गाइस, बट फन है यार फन, देख रहे हो क्या मस्त रूट है ना गाइस। अपने 20 रुपये वसूल हो गए यार, है ना, 20 रुपये में हमने मज़े ले लिए सफारी के। सो गाइस अगर आप लेट इवनिंग में यहाँ पर आते हैं ना तो ये रूट क्लोज हो जाता है, फिर वो आपको दूसरे रूट से मैसूर तक अगर आपको आना है मान लो ऊटी से, तो आपको दिन में ही आना पड़ेगा तभी आप इस रूट से आ सकते हैं, अदरवाइज ये रूट लेट इवनिंग में क्लोज़ हो जाता है, फिर आपको दूसरे रूट से आना पड़ेगा। और उस रूट और इस रूट के अंदर अराउंड 125 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस है, मतलब कि वो रूट ज़्यादा बड़ा पड़ता है। सो गाइस वी हैव रीच्ड बांदीपुरा, देख रहे हो ब्यूटीफुल गाइस ब्यूटीफुल। और यहाँ पर आकर आप अपना सफारी वगैरह कर सकते हो, देख रहे हो ये टाइगर रिजर्व है, ये पूरा अंदर सफारी है और ये पूरा एरिया है। गाइज अभी देखो बिल्कुल मेरे सामने देखो भाई, बहुत सारे यहाँ पर ना आपको डियर नजर आने वाले हैं, ये देखो राइट हैंड साइड में गाइज, ये रे गाइज, देख रहे हो गाइज, ये गाइज अपने पिकॉक, भाई यहाँ पर ना लॉयन की वार्निंग लिखी हुई है कि लॉयन यहाँ पर आ सकता है, बट अपने को तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जनरली वो लोग काफ़ी लकी होते हैं जिनको ऐसा दिख जाता है, बट कोई नहीं गाइस चलते हैं सीधा। सो फाइनली गाइस अपनी सफारी का यहाँ पर एंड होता है और अब चल रहे हैं अपने ऊटी की तरफ, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। ये भी जर्नी के अंदर ही था, जर्नी का पार्ट ही था, अच्छा लगा यार काफी मस्त था, देख रहे हो। सो गाइस अभी ना अपने को यहाँ पर चेकिंग के लिए रोका था और जैसे ही अपना बांदीपुर टाइगर रिजर्व फिनिश हुआ उसी के बाद ये दूसरा रिजर्व शुरू हो जाता है। और गाइस काफ़ी ज़बरदस्त चेकिंग थी यार, दे वर डूइंग देयर वर्क एंड दे वर वेरी पोलाइट, सो थैंक्स टू देम। और फिलहाल अभी कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को और आपको भी दिखाते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ें। सो गाइज यहाँ पर जो अपनी पार्किंग लगी थी ना, आई मीन जो एंट्रेंस फीस लगी थी, तो वो एंट्रेंस फीस अपना बांदीपुर वाले में 20 थी और ये वाली जो है ना और मधुमलाई टाइगर रिजर्व जिसमें अभी हम चल रहे हैं इसमें लगी थी 30 रुपीज़। काफ़ी यार काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है यार, और मतलब जनरली इतना तो अपना टोल ही लग जाता है और उतनी हमारे को यहाँ पर रोड्स भी अच्छी मिलती हैं और एक सफारी करने का भी अच्छा सा इन्जॉयमेंट होता है भाई, देख रहे हो। और इसी के जस्ट बाद भाई फिर अपने ऊटी के माउंटेन्स शुरू होंगे शायद, बिकॉज रास्ता तो ये ऊटी का ही है ना।
गाइस यहाँ पर ना ये देखो ये देखो ये देखो देखो गाइस डियर्स आर क्रॉसिंग द रोड गाइस डियर्स आर क्रॉसिंग द रोड देख रहे हो भाई कितने सारे हैं गाइस है ना देखो भाई कितने सारे हैं यार है ना वाओ यार सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ना और गाइस इसी के साथ ये देखो कैमरा जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं वो देखो सामने माउंटेन पे क्लाउड्स क्या मस्त है ना यार व्यू ये अपना एरिया आ रहा है ये देख रहे हो मधुमलय टाइगर रिजर्व सो गाइस यहाँ ना एक रिवर है इसी में ही ये देख रहे हो वो देखो गाइस वो देखो भाई अभी इस रिवर को तो एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं फिलहाल अभी यहाँ से वापस चलते हैं क्योंकि अपना जो ऊटी का रास्ता है वहाँ से अपने को पीछे से लेफ्ट होना था बट क्योंकि अपने को ये रिवर देखना था तो मैंने थोड़ा सा आगे ले लिया ये देखो गाइस सो गाइस फॉर ऊटी अपने को यहाँ से होना है राइट और अब चलते हैं सीधा यार गाइस रिवर तो यहाँ पर भी थी देख रहे हो भाई ये रहा भाई ये छोटा सा ब्रिज है और ये देखो रिवर पूरी प्रॉपर और गाइस ये देखो एलिफेंट यार है ना भाई एलिफेंट फाइनली वी हैव कैप्चर्ड द एलिफेंट सो गाइस मेरे साइड में देखो भाई पूरी ना पूरा देखो देख रहे हो कितने सारे डियर्स हैं भाई इतने सारे डियर्स ये देखो गाइस वाओ यार सच अ लवली एक्सपीरियंस देख रहे हो ये देखो गाइस इसका नाम टाइगर रिजर्व क्यों है यार इसका नाम डियर रिजर्व हो जाना चाहिए है ना भाई जब से मैं इसमें एंटर करा है मेरे को डियर ही डियर दिख रहे हैं यार एक एलिफेंट दिखाया अभी और एक हाँ पिकॉक भी दिखा था यस राइट सो गाइस अभी यहाँ पर ना कुछ ट्रैफिक सा दिख रहा है देखते हैं यहाँ पर क्या है सो गाइस यहाँ पर ना ये सारी आपको जीप्स दिख जाती हैं और अगर आपको जंगल सफारी जाना है इसमें दूसरी वाली जो अपनी ये रिजर्व है मधुमलय टाइगर रिजर्व तो उसके लिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस हैं देख रहे हो और गाइस फाइनली ये अपनी होर्डिंग आ गई है ऊटी 29 ये एक चर्च है गाइस देख रहे हो ये है गाइस पूरा यहाँ का एक ओवरव्यू है भाई अगर आप हम लोग तो दूसरी साइड से आए थे अगर आप इस साइड से आते हो तो यहाँ पर ये देख रहे हो ये सारे होटल्स वगैरह और सारी ये शॉप्स हैं रेस्टोरेंट्स हैं और यहीं से ही स्टार्टिंग होती है इस वाले रिजर्व की जहाँ से आपको जीप वगैरह और सारी चीज़ें मिलती हैं और सफारी सो गाइस देख रहे हो फाइनली अब लग रहा है ना कि हम ऊटी के पास पहुँच गए हैं देख रहे हो वाह यार व्हाट अ व्यू और क्या मतलब मेरे को लग रहा है ऊपर ना मौसम काफ़ी अच्छा मिलने वाला है अपने को देखो गाइस मस्त है यार सो गाइस जस्ट चेक दिस आउट गाइस कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यार और ये गाऊ माता आ गई हैं ट्रैक पे चेक दिस आउट गाइस क्या मस्त व्यू आ रहा है ना बिल्कुल यार एकदम फॉरेस्ट में से निकलने का ना एक्सपीरियंस ही अलग है यार देख रहे हो पूरे आगे इतने सारे माउंटेनियस एक्सपीरियंस और नीचे से ऐसे आते हुए ना भाई ज़बरदस्त यार हर यहाँ पर ना जितने भी अपने अभी तक के मतलब हमने रोड ट्रिप डिस्टेंस कवर किए हैं ना चाहे वो फिर दिल्ली टू उदयपुर हो उदयपुर टू मुंबई हो मुंबई टू गोवा हो या फिर ये वाला अपना मैसूर टू ऊटी सारे एक्सपीरियंसेस अलग हैं सारे रूट्स डिफरेंट हैं कुछ ना कुछ हर किसी रूट के अंदर खास है तो यार मज़ा ही अलग है यार वंडरफुल फाइनली गाइस हाइट स्टार्ट हो चुकी है और अभी माउंटेन पे क्लाइंब कर रहे हैं देखते हैं अभी कितना टाइम और अपने को लगने वाला है तो गाइस अपना देसी भाषा में जैसे बोलते हैं ना भाई खड़ी चढ़ाई एग्जैक्टली वही है गाइस एग्जैक्टली वही है देख रहे हो
भाई गाड़ी ना सेकंड गियर भी नहीं ले रही है, सेकंड गियर इतना 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 ज्यादा खड़ी चढ़ाई है ना गाइस, देख रहे हो। सो गाइस एक तो इतने ना शार्प, इतने शार्प कर्व्स है ना गाइस, देखो मैं आपको अभी दिखा दूं भाई, इतने शार्प कर्व्स और उसके बाद एकदम से इतनी हाइट है भाई, एकदम खड़ी चढ़ाई है भाई, एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस है भाई। अगर नॉर्मल अपना हम उत्तराखंड वगैरह की साइड जाते हैं ना, तो वहाँ थोड़ा स्पेस होता है, वहाँ इतने ज़्यादा शार्प टर्न्स नहीं है भाई। यहाँ पर देखो भाई फुल शार्प टर्न है और उसी के साथ एकदम हाइट है। बट भाई इसी के साथ ना यार, जो भी यहाँ पर कंसर्न अथॉरिटी है यार, थैंकफुल टू देम, देख रहे हो भाई हर कर्व पे ना, हर टर्न पे उन्होंने ये लगाया हुआ है ताकि वी कैन सी कि कोई अगर अदर व्हीकल तो नहीं आ रहा है। और साथ में जो रोड्स हैं और प्रॉपर ब्रांडिंग है रोड्स के ऊपर, हैट्स ऑफ टू देम भाई। बहुत हाइट पे है यार ऊटी ना, अगर सी लेवल से बात करें तो ये है अराउंड 7350 फीट फ्रॉम द सी लेवल। मतलब हाइट तो यार काफ़ी इससे ज़्यादा करी है, ऑलमोस्ट इससे डबल हाइट तक गए हैं। जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था तब मैं 12 लच्छा वगैरह भी मैंने टच किया हुआ है। तो गाइस ये देखो भाई, हाइट तो काफ़ी ज़्यादा करी हुई है, बट ये जो हाइट है ना ये कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, ये इंस्टेंट हाइट है गाइस। मतलब इसमें ना ज़्यादा आपके पास ट्रैक नहीं है, ज़्यादा ट्रैक नहीं है, ओनली मतलब एक शार्प टर्न्स है और कर्व्स के बाद जस्ट हाइट है। तो ये यहाँ की ब्यूटी है, यही यहाँ का डिफरेंस है यार। अब देखो गाइज़ हर प्लेस की ना अपनी एक USP होती है। तो अगर ऊटी की बात करें तो गाइज़ यहाँ पर अभी वेदर देख रहे हो, अभी तो पहुँचे भी नहीं है और वेदर यहाँ पर दिखा रहा है अभी 21, और हाइट आप देख ही सकते हो गाइज़। आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये देखो ऑलरेडी इतनी हाइट पे, और ये दोबारा एक टर्न है, फिर हाइट और हो रही है। तो गाइज़ ये देखो कितना शार्प टर्न है यार, और उसके बाद एकदम ना हाइट। तो गाइज़ यही यहाँ की USP है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट ट्रैक है। फाइनली गाइज़ ये क्रॉसिंग आई है अभी, ये देख रहे हो पायकारा बोट हाउस रेलवे स्टेशन। और गाइज़ ये देख रहे हो भाई ब्लू फ्लावर्स, भाई कितने मस्त लग रहे हैं यार, है ना, कितने ज़्यादा मस्त लग रहे हैं, एकदम ज़बरदस्त। और पीछे ब्लू थे गाइज, यहाँ पर देखो ऑरेंज हो गए हैं, पिंक भी हैं, काफ़ी मतलब कलरफुल फ्लावर्स हैं यार इस माउंटेन पे ना, ज़बरदस्त। देख रहे हो गाइज, और ये यार इधर से व्यू है भाई, देख रहे हो सो गाइस फाइनली ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, जो कर्व्स अपने चल रहे थे ना कॉन्टिन्यूस, उससे थोड़ा सा अभी स्ट्रेट कुछ आया है ना। ये देखो गाइस ऊटी के लिए सीधा, कॉर्निंग के लिए लेफ्ट। ये गाइस यहाँ पर भी ये किसी का घर है, सो वाटर व्यू ही माइट गेट डेली फ्रॉम दिस हाउस, मतलब रोज सुबह उठते ही क्या मस्त व्यू मिलता रहेगा ना इनको, सही है यार। और ये देखो गाइज फ्लावर्स भाई, ये यहाँ का USP है भाई, ये देखो भाई। सो फाइनली गाइज कैसा लग रहा है ये ऊटी का अपना व्यू, और गाइज यहाँ सो गाइज फाइनली ऊटी पहुँच चुके हैं और अपनी गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं, और इसी के साथ गाइज अपनी रोड ट्रिप ऊटी तक के लिए एंड होती है। सो फाइनली गाइज अब देखो, आप देख ही सकते हो हम लोग ऊटी पहुंच चुके हैं, और गाइज इसी के साथ जो अपना रोड ट्रिप था ना वो यहाँ पर उसका वन साइड पूरा कंप्लीट होता है। अब यहाँ से अपनी जर्नी रिटर्न के लिए शुरू होगी बैक टू होम। तो गाइज ऊटी का व्लॉग मैं पर्सनल पूरा एक अलग डाल दूंगा, सॉरी पर्सनल क्या यार पब्लिक है, ऊटी का व्लॉग मैं अलग से पूरा डाल दूंगा, तो वो आप देख सकते हो। और इस व्लॉग को अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो करते हैं इसको यहीं पर एंड। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ना गाइज, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो गाइज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना गाइज़, बिकॉज जितनी रीच आएगी, जितने भाई अपने साथ जुड़ेंगे, जितनी अपनी फैमिली बड़ी होगी, उतना ज़्यादा अपना मोटिवेशन होगा, उतनी ज़्यादा नई नई चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे, नई चीज़ें कर पाएंगे गाइज़।
तो इसी के साथ गाइज मिलता हूँ आपसे दोबारा एक नए व्लॉग में, एक नए दिन की शुरुआत के साथ, मतलब ऊटी वाले व्लॉग में, इसके बाद एक नए दिन की शुरुआत के साथ। टिल देन स्माइल। और आपके भाई की आईडी भी तो है कीपिंग योर लाइफ 05, उसको भी फॉलो कर लो यार, हम लोग अपडेटेड रहेंगे थ्रू आउट। जल्दी करो, जल्दी 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 फॉलो करो जल्दी।